कथा अपने अंदर झांकने का मौका देती है। ये बताती है कि कभी कभी हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमने अपने अंदर कितने संवेदनाओं की लाशें बिछा रखी हैं। पत्थर हो गए हैं हम लोग, मशीन में कोई फर्क नहीं रहा और हम में कोई फर्क नहीं रहा, बिल्कुल मशीन की तरह जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। वो सदगुरु की आंखें जो होती हैं ना, वो बताती हैं कि जागो। वो हमारी पहचान छीन लेती हैं, जो पहचान हमने अपनी झूठी पहचान बनाई रखी है। वो हमारी अंदर एक प्रेम का झरना प्रस्फुटित करती हैं। कभी ध्यान से देखिएगा उस पेंटिंग को, बिल्कुल गाय की तरह आंखें आपको नजर आएंगी उसके अंदर। गाय की आंखों में जितना प्यार होता है, माँ की आंखों में जितना प्यार होता है, उतना ही एक सदगुरु की आंखों में प्यार होता है। कभी भी कोई पेंटिंग आप देख सकते हो, उसकी पहचान करनी है कि आर्टिस्ट ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, कितने मनोयोग से पेंटिंग बनाई है, तो उस पेंटिंग में जो पात्र है उसकी आंखें देखिएगा। चेहरा तो कोई भी खूबसूरत बना लेगा, लेकिन जो आंखें हैं, वो अगर आंखें बोल रही हैं तो वो आंखें इंसान की पहचान कराती। आप किसी इंसान के कपड़े से उसकी पहचान नहीं कर सकते, आप किसी इंसान के शब्दों से उसकी पहचान नहीं कर सकते, आप किसी इंसान के चेहरे मोहरे से उसकी पहचान नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उसकी आंखों में एक क्षण को सीधे देख लिया तो आप सीधे उसके अंदर का एक्सरे निकाल के बाहर ले आएंगे। ये पहचान है। साई उस निगाह से, उस नजर से हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। बाबा कहते थे, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। और सब कुछ छीन लेने का अर्थ यह नहीं है कि सुख संपत्ति चैन नींद बाबा ने छीन ली, हमारे अवगुण छीन लेते हैं बाबा। हमारे अंदर का जो पत्थर हो चुका दिल है वो छीन लेते हैं, हमारी पहचान छीन लेते हैं। कुछ देर उस चित्र की ओर जरूर देखिएगा। हम बहुत हीरो बन के जाते हैं और साईं के उस चित्र के सामने पहुंच करके अपने आप को निहत्था, निरीह, बदला हुआ महसूस करते हैं। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ना मिलेगे, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ना मिलेगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना में लईके, 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 नैना में लईके जी, नैना में लईके, नैना में लईके जी, नैना में लईके, नैना में लईके, सब जीनी रे मुझसे नैना में लईके, छाप तिलक सब जीनी रे मुझसे नैना में लईके। Thank you.
बटीका मधुवा पिलई के, प्रेम बटीका मधुवा पिलई के, प्रेम बटीका जी मधुवा पिलई के, प्रेम बटीका मधुवा पिलई के, प्रेम बटीका मधुवा पिलई के, प्रेम बटीका मधुवा पिलई के, मतवारी मतवारी कर दी निर मोसे नैना मिलई के, मतवारी कर दी निर मोसे नैना मिलई के, चाप तिलक सब जी निर मोसे नैना मिलई के। हर पहचान साई छीन लेते, हर छाप हर तिलक, तिलक जो हम लोग लगाते हैं अपना श्रृंगार, श्रृंगार जो हमारे अंतर मन का हिस्सा नहीं है, वो श्रृंगार जब हम लगा के साईं के सामने जाते हैं, वो साईं छीन लेते हैं, वो छाप, वो रेप्यूटेशन, वो प्रतिष्ठा जिसका हम मान लेकर के जीना चाहते हैं, जिसका दंभ भरते हैं, वो छाप साईं छीन लेते हैं। प्रतिष्ठा की छाप साईं छीन लेते, कपड़ों की छाप साईं छीन लेते, जो श्रृंगार है, जो झूठा श्रृंगार है, जो हमने आडंबर अपने इर्द गिर्द रच रखा है, वो सब साईं छीन लेते हैं। उनके सामने हम कपड़े पहने हुए भी दिगंबर खड़े होते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा, वो हर झूठी चीज हमसे छीन लेते। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया जी 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 हरी हरी चूड़िया, हाथ पकड़ हाथ पकड़ धर ली निर मोसे नैना मिलई के, हाथ पकड़ धर ली निर मोसे नैना मिलई के, काप तिलक सब जी निर मोसे नैना मिलई के। बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, 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 अपनी सी अपनी सी रंगली निर मोसे नैना मिलई के, अपनी सी रंगली निर मोसे नैना मिलई के, चाप तिलक सब जी निर मोसे नैना मिलई के।
अपने सी रंग लीनी, अपने रंग में साई हमको रंग लेते हैं। उनकी नजरों में देखो कुछ कुछ साई का असर होने लगता है। नजर जो है वो दिल का आईना होती है, सीधा सीधा दिल पे वार करते हैं और दिल से ही हर आदमी सुधरता या बिगड़ता है। और साई के बाद जो जाता है, साई से नजरें मिलाता है, साई अपनी नजरों से अपने रंग में रंग लेता है। खुसरो निजाम के बली बली जई है, खुसरो निजाम के बली बली जई है, हम सब साई 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 के बली बली जई है। मोहे सुहागन, मोहे सुहागन, मोहे सुहागन, मोहे सुहागन, मोहे सुहागन इन्हीं साई हमको सुहागन बना देते हैं। हमारे मन में साई की छवि हो जाती है, जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए एक निष्ठ भाव रखती है, जैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए एक निष्ठ भाव रखता है, वही भाव साई का हमारे लिए और हमारा साई के लिए होता है। नजरों से साई हमें सुहागन कर देते हैं। हमारे अंदर जो मन का भटकाव इधर उधर हो रहा होता है, पूरा का पूरा एक जगह आकर के केंद्रित हो जाता है। जैसे शादी के बाद एक दूसरे के प्रति वफादारी का भाव आ जाता है, कुछ सालों बाद हम एक की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, हम दोनों के दुख साझा हो जाते हैं, साईं से गठबंधन हो जाता है, साईं के पास हमेशा रहने को जी करता है। मुख सुहागन की धीरे मोसे नैना मिलई के, मोह सुहागन की धीरे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब जी धीरे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब जी धीरे मोसे नैना मिलई के, मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 नैना सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो
नैना मिलने चाहिए। तब साई से रिश्ते में शब्द गायब हो जाएंगे, सिर्फ नैनों की बातें चलेंगी, आंखों से बातें होंगी। वो उस चित्र की महिमा है, वो उस चित्र का भाव है। उस चित्र में साईं अपने आसन पर आराम से बैठे हुए हैं, टिके हुए। साईं कोई जल्दी में नहीं है उनको सुधारने के लिए। उनके हाथ में कोई लकड़ी नहीं है, कोई दंड नहीं है जिससे वो हमको मार मार के सुधारेंगे। साईं तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, मुस्कान उनके चेहरे पर है। एक बार साईं के पास बैठ करके तो देखिए, हम लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, साईं के पास बैठते ही नहीं हैं। इतने खोए रहते हैं अपनी जरूरतों में, अपनी चिंताओं में, कि साईं के पास अपनी डिमांड्स की लिस्ट बोलते बोलते कब पीछे से आवाज आती है, पुड़े चला, ए भाई आगे चलो, तुम लोग पीछे वाले का रास्ता रोक रहे हो। जब ये एहसास होता है, जब तक कि एहसास होता है कि साईं की आंखों में तो देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी फरमाइशों की लिस्ट उसके सामने रखते रहे कि आगे बढ़ने का वक्त हो गया, काम खत्म, शिरडी यात्रा समाप्त, अब ट्रेन पकड़नी है। कुछ देर थम जाओ, कुछ देर रुक जाओ, कुछ देर साई की तरह आराम से बैठो। कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ अपने मन की बताना चाहता है। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं तो प्रार्थना में भी मांग होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो साई को अपनी बात सुनाते हैं, जब हम साई के सामने शून्य होकर चुपचाप बैठ जाते हैं तो हम साई की सुन पाते हैं। साई की सुनो, बहुत कुछ कहना चाहता है, कहना चाहता है कि तुम लोग जियो, कहना चाहता है तुम लोग हंसो, खुशी से रहो, और ना सिर्फ खुशी से रहो बल्कि खुश रखो। जब साईं को कोई बात कहनी होती है तो वो और कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो सपने में भी आते हैं। ऐसे ही एक शराबी के सपने में आए बाबा, सच्चरित्र में किस्सा है। उस शराबी के सपने में बाबा आए और उसके छाती पर चढ़ गए और तब तक उसकी छाती से नहीं नीचे उतरे जब तक कि उस शराबी ने शराब छोड़ने की कसम न खा ली। आजकल शराब पीना फैशन सा हो गया है। चीज वही है, इंसान की पढ़ाई के लेवल के अनुसार सिर्फ उसका नाम बदल जाता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसको दारू बोल देगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो शराब बोलेगा, हाई सोसाइटी का सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति होगा तो स्कॉच कह देगा। कोनियाक कह देगा, वाइन कह देगा, फिर उसकी
अलग अलग व्याख्या होती है कि व्हाइट वाइन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, रेड वाइन इज गुड फॉर हेल्थ। वो चीज कैसे अच्छी हो सकती है जो आपको अपने आपे में ना रखे? वो चीज कैसे अच्छी हो सकती है जो आपको अपना आप भुलाने पर मजबूर कर दे? वो चीज कैसे अच्छी हो सकती है जिसको पहले आप पिए और बाद में वो आपको पीने लगे? वो चीज कैसे अच्छी हो सकती है जो आपको बहका दे? शराब के नशे में व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कहता है मैं तो नशे में था। मैं मान ही नहीं सकता कोई नशे में होता है, क्योंकि नशे में हुआ व्यक्ति भी अपने ही घर का दरवाजा जाके खटखटाता है, मां को पत्नी और पत्नी को मां नहीं समझता। बाबा उस व्यक्ति की छाती से तब तक नहीं उतरे जब तक उसने शराब छोड़ने की कसम ना खा ली। साईं को जब आप नहीं सुनते हैं तो उसको इस तरह से अतिक्रमण करना पड़ता है आपके भावों पर। सुनिए क्या कहना चाहते हैं, जरा ठहर जाएंगे तो सुन पाएंगे। वो चित्र बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें बताता है। साईं पूरी तरह सफेद कपड़ों में है, सफेद रंग शांति का होता है। साईं के पास बैठ करके शांति का अनुभव होता है। साईं के चेहरे पर उस चित्र में बड़ी ही नैसर्गिक नेचुरल मुस्कान है। ऐसा नहीं है कि चित्रकार ने स्माइली बना दी हो उनके होठों की, छोटा सा सी नहीं बनाया उनके होठों का, बड़ा नेचुरल सा उनके चेहरे पर स्माइल है। साईं के पास बैठेंगे तो शांति का अनुभव होगा। साईं की मुस्कान को देख करके अपनी मुस्कान अपने चेहरे पर आने का लाने की इच्छा होगी। सुनिए उसको, बैठिए, देखिए साईं क्या कहना चाहते हैं। उस चित्र से हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक पत्थर रखा हुआ है वहां पर, उसके पीछे एक प्लेट लगी हुई है, यादगढ़ी चौरंगावार बसुन साईं स्नान करीत असत। इस पत्थर पर बैठकर बाबा स्नान किया करते थे। कुछ वक्त हो गया वो पत्थर वहां से हटा करके अब म्यूजियम में रख दिया गया है, लेकिन अभी भी वो पत्थर वहां पर हमको अपनी उम्मीद का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जब आपका स्वरूप बदल जाता है तो आपको स्नान करना पड़ता है। स्नान गंदगी को निकालने के लिए किया जाता है। जब आप साईं के पास से निकलेंगे तो आपकी गंदगियां छूटना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन गंदगियों के छोटे छोटे अवशेष जो हमारे मन पर रह जाते हैं, जो हमारे तन पर रह जाते हैं, वो पत्थर हमको प्रेरणा देता है कि हमें स्नान लगातार करते रहना चाहिए। अब स्नान का अर्थ क्या हुआ? हम लोग रोज दुनिया में घूमते हैं, धूल धक्कड़ में घूमते हैं, हमारा पसीना उस धूल को सोख लेता है और हमारे शरीर पर वो पसीना उस धूल के साथ मिलकर के दुर्गंध पैदा कर देता है। जब हमारे अंदर अवगुण होंगे तो हमारे अंदर से दुर्गंध आएगी ही। समय समय पर स्नान करते रहना चाहिए। स्नान क्या है?
साईं का भजन, उससे बेहतर कोई स्नान नहीं है। समय समय पर साईं का भजन गाते रहना चाहिए। हम लोग रोज नहाते हैं ना, रोज नहाते हैं अपना ऊपर से धूल मिट्टी उतारने के लिए, फिर दुनिया में निकल जाते हैं तो फिर धूल मिट्टी चिपकती है, तो रोज नहाते हैं, उसी तरह रोज साईं का भजन करना चाहिए। भजन करने का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग कोई किताब उठा के उसमें से लिरिक्स निकाल लें और उसको धुन दे करके गाएं। आप साईं बोलते रहे तो भजन हो जाएगा, आप साईं ना बोले आप केवल साईं में ध्यान रखेंगे तो भजन हो जाएगा। आप अच्छे काम करते हुए वो सारे अच्छे काम साईं को समर्पित कर देंगे तो भजन हो जाएगा। भजन के तरीके बहुत अलग अलग हैं, वो तो हम लोगों ने एक मापदंड बना रखा है कि लय ताल के साथ तुकबंदी किए हुए गाने को गाना वो भजन हो गया। साईं को कैसे भी भजा जा सकता है, जैसे चाहे आप उनको भज सकते हैं। मन के अंदर जो गंदगी आती है वो साईं के भजन से ही निकलती है, और साईं का भजन उसी तरह से रोज करना चाहिए जिस तरह से हम रोज नहाते हैं। बस एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, यानी एक घड़ी अगर आप भजन करते हैं तो बात है, एक घड़ी नहीं कर सकते आधी कर लें, आधी भी नहीं कर सकते उसकी भी आधी कर लें, लेकिन तुलसी संगत साधु के, जब आप किसी के प्रति भजने का भाव रखते हैं तो आप उसकी संगत में होते हैं, वो आपके इर्द गिर्द रहता है, आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। और जब किसी अच्छी आत्मा की मौजूदगी का एहसास हमको अपने आसपास हो, अपने इष्ट की मौजूदगी का एहसास अपने पास हो, तो हमसे गलत काम ना होगा। वो होता है भजने का अर्थ। गाले भजन साई भजन, हो जाए मगन। भजन हमेशा मगन होकर के गाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई काम औपचारिकता वश कर लिया, फॉर्मेलिटी की खातिर कर लिया। काले भजन साई भजन, हो जा मगन तू हो जा मगन। काले भजन साई भजन, हो जा मगन तू हो जा मगन। सागर में कूद लहरों से खेल, मोती को छू पर साहिल न बन। सागर में कूद लहरों से खेल, मोती को छू पर साहिल न बन। गाले भजन साई भजन, हो जा मगन तू हो जा मगन। चरणों में बैठ सर को झुका, दुनिया को भूल और मुस्कुरा। चरणों में बैठ सर को झुका, दुनिया को भूल और मुस्कुरा।
भी नहीं, ना तेरा तन और ना तेरा मन, तेरा यहाँ कुछ भी नहीं, ना तेरा तन और ना तेरा मन। गाले भजन साई भजन, हो जा मगन तू हो जा मगन। देर साईं के नाम का भजन करो, बिल्कुल नहाने का सा असर करेगा। वहां से हम नीचे उतरते हैं उस पत्थर को देखने के बाद। चार सीढ़ियां हमने जब चढ़ी थी तो हमने पहली सीढ़ी पर मन, दूसरी पर बुद्धि, तीसरी पर चित्त, चौथे पर अहंकार छोड़ा था। अब वो अगली चार सीढ़ियां आती हैं जहां से हमको उतरना है। वो चार सीढ़ियां हैं सुख, शांति, आनंद और मस्ती की।
सुख, सुख अस्थाई भाव है, सुख कभी स्थाई नहीं होता। जिन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं, दरअसल वो चीजें हमको कभी सुख दे ही नहीं सकती। सुख दुख का प्रभाव कम कर सकता है, लेकिन दुख को हमेशा के लिए हटा नहीं सकता। इसी द्वारका माई मस्जिद में बाबा ने बड़ी सार गर्भित सीख दी थी दासगणु महाराज को। जो हम सुख की बात कर रहे हैं ना, सुख अस्थाई होता है। अगर हम उन चीजों की नश्वरता का एहसास करें जिनसे हम अपने सुख को जोड़ देते हैं, दासगणु महाराज उपनिषद की व्याख्या कर रहे थे। उपनिषद की व्याख्या करते करते दासगणु महाराज एक जगह उलझ गए। उलझ गए तो मस्जिद में धूनी के सामने बैठे हुए अपने आसन पर साईं के सामने आए। साईं के सामने आकर के उन्होंने साईं से कहा कि मेरी उलझन का समाधान मुझे चाहिए बाबा। बाबा ने कहा तू विले पार्ले चला जा, वहां काका दीक्षित की नौकरानी तेरे उलझन का समाधान तुझे देगी। अब दासगणु महाराज अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान समझते थे, दो तीन किताबें लिख चुके थे। उनके मन में सहज भाव आया कि कोई नौकरानी कैसे मेरी समस्या का समाधान कर सकती है। खैर, बाबा का आदेश था, अटक गए थे अपने काम में, तो बाबा की बात मान करके चले गए। गए, रात हो गई थी, सो गए काका साहब दीक्षित के फ्लैट में, घर जाके सो गए। दूसरे दिन सवेरे उनकी नींद खुली तो उनके कान में एक बहुत मीठी सी आवाज पड़ी। वो किसी बच्ची की आवाज थी। वो ऐसा गाना गा रही थी कि जिसके बोल थे, मेरे पास एक लाल रंग की साड़ी है जिसकी जरीदार किनार है। काका साहब दीक्षित की नौकरानी नाम्या उस दिन नहीं आई थी, उसकी बहन मलकर्णी उस दिन काम पे आई थी। वो बच्ची ये भाव का गाना गा रही थी। उसकी हालत देख करके दासगणु महाराज को उस पर दया आ गई। राय बहादुर मुरेश्वर प्रधान, जिनकी हमने अभी कुछ देर पहले बात करी, वो दासगणु महाराज के साथ काका साहब दीक्षित के घर पे आए हुए थे। दासगणु महाराज ने उनसे निवेदन किया कि इस बच्ची की इच्छा पूरी की जाए, इसको ऐसी साड़ी ला करके दी जाए, क्योंकि उन्होंने बच्ची की हालत देखी, वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ये गाना गा रही थी। गाना बहुत आनंद पूर्वक गा रही थी। प्रधान साहब गए, उस बच्ची के लिए साड़ी लेकर के आए, लाल रंग की साड़ी जिसकी जरीदार किनार हो। दासगणु महाराज ने उस बच्ची को वो साड़ी दे दी। साड़ी पा करके बच्ची बहुत खुश हुई, अंदर गई, अपने ऊपर लपेट करके आ गई, हंस हंस करके गाने लगी, खुश होकर मुस्कुराने लगी। बहुत खुशी खुशी उसने दिन भर काम किया। दासगणु महाराज को अपनी समस्या का समाधान अभी नहीं मिला था। दिन खत्म हो गया, रात हो गई, दूसरे दिन फिर सवेरा हुआ। वो बच्ची की आवाज़ से फिर दासगणु महाराज की नींद खुली। वो बच्ची उतने ही हंसी में होकर के, खुश होकर के, प्यार से, बिल्कुल आनंद में वो गाना गा रही थी। दासगणु महाराज हतप्रभ बाहर आए, देखा तो वो आज फिर
फटे पुराने कपड़ों में थी, लेकिन उतने ही आनंद के साथ गाना गा रही थी। दासगणु महाराज ने उससे पूछा कि तुमको मैंने कल वो साड़ी दी थी, उसका तुमने क्या किया? बच्ची कहती है, आपने साड़ी दी थी तो मैंने उसको पहन ली, उसको संदूक में रख दी, रोज रोज थोड़ी पहनूंगी। कल वो बच्ची साड़ी पाकर आनंदित हो गई थी, आज बच्ची वही बच्ची फटे पुराने कपड़ों में भी आनंदित थी, खुश थी। दास गणु महाराज को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। अगर हम अपनी खुशी उन चीजों पर आधारित रखते हैं जिनकी कोई एक्सपायरी डेट है, तो हमारी खुशी अपने आप एक एक्सपायरी डेट के साथ बंध जाती है। जैसे ही वो चीज खत्म हो गई, हमारी खुशी भी खत्म हो जाएगी। वो खुशी कुछ देर का सुख होती है। वो बच्ची साड़ी पा करके सुखी जरूर हुई थी, लेकिन दूसरे दिन जब वो गाना गा रही थी तो वो आनंद में थी। सुख दुख का प्रभाव कम कर देता है, आनंद दुख को खत्म कर देता है। आनंद में रहना हमारे ऊपर है, हमारी मानसिक स्थिति पर है। हमारी मानसिक स्थिति चाहे जैसी हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मालिक हमको जैसे भी हालात में रखे, हमेशा हमको उसका शुक्र मनाते हुए आनंद में रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढ करके अपने दुख का सामान नहीं ढूंढना चाहिए। फर्ज करिए, एक बच्चा के लिए माँ बाप बहुत तरसते हैं, वो बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप अपना सुख उस बच्चे के साथ जोड़ लेते हैं। बड़ा होकर के वही बच्चा उन माँ बाप का अपमान करता है, उनको छोड़ करके चला जाता है, उनके सुख दुख का ख्याल नहीं रखता। तो जो बच्चा एक समय पर सुख का कारण बना था, वही आज दुख का कारण भी बन गया है। एक छोटी सी कार के साथ हम अपनी खुशी जोड़ लेते हैं, जैसे जैसे हम उस कार को चलाना जारी रखते हैं, पहले दिन जितनी खुशी मिली थी उतनी खुशी हमको दूसरे दिन नहीं मिलती, तीसरे दिन और कम हो जाती है, चौथे दिन और कम हो जाती है, दो महीने बाद तो हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे हमको खुशी मिली नहीं थी। वो सुख था, वो क्षणिक सुख था। हमको बहुत भूख लगी हो, हम एक लड्डू, हमारे सामने पूरी थाली आ जाए, हमको भूख लगी हो तो हम एक लड्डू खाएंगे, पहला लड्डू हमको बहुत बहुत खुशी देगा, दूसरा लड्डू थोड़ा कम खुशी देगा, तीसरा लड्डू और कम देगा, चौथे लड्डू पे तो हम बिल्कुल हाथ जोड़ लेंगे अगर किसी ने हमको कहा कि आप खा लीजिए। पाँचवें लड्डू पे अगर यजमान हमको खिलाने गया तो हम यहाँ वहाँ भागने लगेंगे कि नहीं भाई, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। इकोनॉमिक्स में इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, कि हर एक नई यूनिट को जो आप कंज्यूम करते हैं आपके लिए उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। जीवन ऐसे ही चलता है। आनंद की अनुभूति करो, साईं ने जो दिया है उसमें खुशी मनाओ, तो हम साईं के सच्चे भक्त होंगे। दासगणु महाराज को उनकी समस्या का समाधान मिल गया था। आनंद स्थाई भाव है, सुख अस्थाई भाव है। जैसे चाहे वैसे हालात में तू रखना, जैसे चाहे वैसे हालात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना।
हाथ में रखना, मुझे मेरे साईं तू हाथ में ही रखना, हाथ में ही रखना, हाथ में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू हाथ में ही रखना। रुतबन मांगो साई ओहदान चाहिए, रुतबन मांगो साई ओहदान चाहिए, रहूं मैं दीवाना तेरा कितना ही चाहिए, रहूं मैं दीवाना तेरा इतना ही चाहिए, मुझे सेवादारों की, मुझे सेवादारों की जमात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू कात में रखना, कात में रखना, मुझे मेरे साईं तू कात में रखना। हर पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, हर पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं, सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं, सादापन मेरी, सादापन मेरी हर बात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, में रखना, मुझे मेरे साईं तू हाथ में ही रखना। और हलाल की रूखी सूखी खाऊं मैं, हक
और हलाल की रुखी सुखी खाऊं मैं जितना भी पाऊं साईं और झुक जाऊं मैं जितना भी पाऊं साईं और झुक जाऊं मैं सादा बन मेरी सादा बन मेरी हर बात में तू रखना मुझे मेरे साई तू औकात में ही रखना मुझे मेरे साई तू औकात में ही रखना औकात में ही रखना औकात में ही रखना मुझे मेरे साई तू औकात में ही रखना औकात में ही रखना औकात में ही रखना मुझे मेरे साई तू 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 औकात में ही रखना। साई से मांगना है तो सुख मत मांगो, साईं से मांगना है तो आनंद मांगो। आनंद जो है वो स्थाई भाव है, सुख तो आता रहेगा जाता रहेगा, जो आज सुख है वो कल दुख भी बन सकता है। पहली सीढ़ी उतरते हैं तो सुख लेकर के उतरते हैं जो कि अस्थाई भाव है। अभी हम मस्जिद में से बहुत सारी बातें सीख करके निकले हैं, बातें गहरे नहीं बैठी हैं, धीरे धीरे। पहली सीढ़ी सुख, सुख को पीछे छोड़ना है। दूसरी सीढ़ी पर शांति, शांति हम लोग बाहर ढूंढते हैं। अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो कहीं बाहर शांति नहीं मिलेगी। अगर हम अशांत हैं तो दुनिया में कोई चीज हमको शांत नहीं कर सकती, और अगर हम अशांत हैं तो हम दुनिया में किसी भी चीज को शांति से रहता हुआ नहीं देख सकते। हमारा मन अशांत है तो हम चाहेंगे कि हर कुछ हर कोई अशांत हो जाए। साईं से दूसरी सीढ़ी पर शांति मांगनी है, शांति आराम से रुकना है, अपने मन को स्थिर करना है। बाबा ने कहा था, कोई तुम्हें कुछ भी भला बुरा कहे, कोई तुम्हारा कितना भी अपमान करे, तुम कभी पलट करके जवाब मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगे। अशांत हमको क्या कर देता है? अशांत हमें बहुत सारी चीजें करती है। हमारी मनमर्जी का काम ना होना हमें अशांत कर देता है। हमारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट ना लाना हमको अशांत कर देता है। किसी पड़ोसी के पास सुख संपत्ति का ज्यादा सामान हो तो वो हमको अशांत कर देता है। हमारे कान हमको अशांत कर देते हैं। एक महिला को बेटा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में उसकी सहेली उसको देखने गई। उसकी सहेली ने उससे पूछा, तूने बेटा जना है, तेरी सास ने तुझको क्या दिया गिफ्ट में? ये तो अच्छी वाली शांत लेटी हुई थी। इसने कहा, कुछ नहीं, इसमें क्या है, बेटा जना है तो उसमें सास क्या देगी। अरे तुझे पता है, जब मुझे बेटा हुआ था ना, तो मेरी सास ने मुझे 25 तोले के कंगन दिए थे। बस हो गई अशांति अंदर।
अब ये रोज अपनी सास से, जिसे बहुत प्यार से रहती थी, उस सास के साथ रोज उसके साथ पंगे लेने लगी बिना बात। क्यों? क्योंकि मन में किसी ने अशांति का बीज रोप दिया था। कोई व्यक्ति अच्छा भला नौकरी कर रहा है किसी आईटी फर्म में, 20-25 हजार रुपए तनख्वाह है, शांति से काम कर रहा है, आनंद से जीवन निर्वाह कर रहा है, बहुत सालों बाद स्कूल के रीयूनियन प्रोग्राम में उसके बैच का उसका एक साथी मिल जाता है उसको, दोनों आपस में बात करते हैं, ये भी सीनियर आईटी मैनेजर है, वो भी सीनियर आईटी मैनेजर है, इसको मिल रही है 20-22 हजार रुपए तनख्वाह, उसको मिल रही है 35-40 हजार रुपए तनख्वाह, जिसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी वो कहता है अरे तू तो मुफ्त में काम कर रहा है यार, तू तो मुफ्त में काम कर रहा है, देख तेरी पोजीशन मेरी पोजीशन सेम है, हम दोनों एक ही साल में पास आउट हुए थे, एक ही कॉलेज से हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, तेरी भी पोजीशन वही है, मेरी भी वही है, तेरी तनख्वाह 22 हजार रुपए है, मेरी तनख्वाह 35 हजार रुपए है। मन में अशांति का बीज रोप दिया। ये जो अच्छा भला नौकरी कर रहा था, इसने जाके अपने मालिक से कहा मेरी तनख्वाह 35 हजार करो नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। मालिक ने कहा जा भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कई कई महीनों तक बेरोजगार घूमा, दो सहेलियां स्कूल में साथ में थीं, एक दूसरे को बहुत वक्त तक देखा नहीं था। एक दिन अपनी सहेली को एक सहेली देखती है कि वो BMW कार में जा रही है, उसका साथ में कोई आगे की सीट पर, उसने महसूस किया कि शायद उसका पति होगा, कहीं से उसका फ़ोन नंबर ढूंढा निकाला, कहती है मैंने तुझे देखा था, तू परसों BMW में जा रही थी, कोई तेरे साथ था, तेरा पति था क्या? हाँ मेरा पति था। बोले तेरा पति BMW चलाता? कहती हाँ। फोन रखती है, अशांत हो जाती है, मेरा पति तो आज भी मोटरसाइकिल पे घूमता है, रोज अब अपने पति से कलह, लड़ाई झगड़ा, देखो मेरी सहेली उसका पति BMW चलाता, तुम मोटरसाइकिल चलाते हो। कुछ दिन बाद जब दोबारा सहेली मिलती है और खोजबीन होती है तो पता चलता है कि उसका पति BMW वाले किसी मालिक सेठ के यहाँ ड्राइवर है और ये उसके यहाँ नौकरानी है, दोनों उसके बच्चे को लेने स्कूल में जा रहे थे। ऐसे वाक्य बनते हैं जीवन में, ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमको बताती हैं कि अशांति का बीज हमारे अंदर कोई ना कोई कैसे ना कैसे रोप देता है।